आज की हम एसक्यूएल सर्वर की क्लासेस में हम कंडीशनल फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे आई आई इफ के बारे में एंड केस के बारे में। सबसे पहले हम केस के बारे में डिस्कस करेंगे, देन आई आई इफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कोई एक डेटा लेते हैं यहाँ पे, हम एट पीएम का ही डेटा लेते हैं। मान लीजिए हम डीटी का डेटा लेते हैं, यहाँ पे न्यू क्वेरी देते हैं और यहाँ लिखते हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रॉम डीटी। और इसको रन करते हैं, डीटी को रिकॉग्नाइज नहीं किया है इसने। अच्छा, डीटी रिकॉग्नाइज कर रहा है, नहीं वो बेसिकली मुझे इसमें डेटाबेस नेम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एट पी एम डॉट डी टी डी वी ओ डॉट डी टी रन करते हैं, ये डेटा आ गया आपके सामने, डेटा आ रहा है। अब मुझे इसमें डेटा पूरा नहीं चाहिए, हमें इसमें सिंपल सा चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे कस्टमर कॉमा हमें चाहिए, जोन कॉमा हमें चाहिए क्वांटिटी, ठीक है। और रन करते हैं तो उसी हिसाब से ये चीज आया। अब मान लीजिए जो क्वांटिटी है ना, उस पर हमें कंडीशन अप्लाई करना है, ठीक है ना। कंडीशंस अप्लाई करते हैं, जैसे एग्जाम्पल कि क्वांटिटी अगर 100 से ऊपर हुआ तो इंसेंटिव क्या होना चाहिए, इंसेंटिव होना चाहिए 30 होना चाहिए, राइट। तो यहां पे कॉमा करके हम देते हैं केस केस, और केस में यहां हम देते हैं व्हेन व्हेन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 100। इसके बाद यहां पे देन हमने यहां पे इंसेंटिव में 1000 कर दिया और फिर यहां पे हमने एंड कर दिया। अच्छा, केस होना चाहिए कास्ट हो गए, ठीक है। रन कर, यहां पे देखिए नल 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 इस तरह से दिख रहा है, दिख रहा है ना। और यहाँ पे नो कॉलम नेम है, तो एंड में हम यहाँ लिख देते हैं एज ए आई एन सी और रन करेंगे तो यहाँ आई एन सी आएगा। दूसरा, ये जहां पे वैल्यू नहीं है वहां नल है, यहाँ वैल्यू नहीं है वहां क्या है, वहां पे नल है। और मैं चाहता हूं कि यहाँ नल नहीं हो, यहाँ पे नल नहीं हो, कुछ और हो, तो यहां पे एक और कंडीशन लगा दीजिए कि व्हेन क्वांटिटी इज लेस देन 100 देन 0। तो अब जहां जहां नल था वहां वहां 0 आ, समझ में आया आप लोगों की, नहीं सर? केस कैसे लगाया जाता है, जैसे मान लीजिए हम कस्ट कॉलम ले रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे एक कॉलम मान लिजिए कि कोई एक क्वांटिटी के बिहाफ पे एक नया कॉलम जनरेट करना है, उस नया कॉलम जनरेट करने के साथ हमें कुछ कंडीशंस देना है, तो कंडीशंस के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे देने का तरीका क्या है, केस व्हेन कंडीशन देन रिजल्ट और लास्ट में एंड। अब इसके बीच में आप कई सारे कंडीशंस लगा सकते हैं, कई सारे कंडीशंस, जैसे यहां पे दो हमने लगाया, ऐसे कई सारे कंडीशंस आप लगा सकते हैं। कंडीशन में हमने यहां पे लॉजिक ऑपरेट लगाया, जैसे ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन, तो नंबर्स पे लगा सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट के ऊपर आप इक्वल वगैरह भी लगा सकते हैं। उसके बाद कॉलम नेम के लिए एंड के बाद एज और कॉलम का नेम दे दीजिए। यहां पर समझ में आ गया दीपक जी, दीपक जी की प्रॉब्लम,
चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज गुड। अब यहां यहां पे बात आती है कि कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे क्वांटिटी हमें इंसेंटिव देना है, तो मान लीजिए हमें 15 रुपीज पर पीस देना है, मतलब कि जो भी नंबर्स है दैट इज मल्टीप्लाई बाय 15। तो यहां हम ब्रैकेट में क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 15 करके देखते हैं। अब इसको रन कीजिए, रन करते सेम होता है। सो यहां आप अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी फुलफिल कर सकते। अच्छा यहां पर हमने कंडीशन दिया, कंडीशन कंडीशन के अलावा कुछ और भी दे सकते। जैसे मतलब स्लैब हो गया मान लीजिए, तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ग्रेटर देन 400 कर दिया, कि अगर 400 से होगा तो 15 रुपये मल्टीप्लाई होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे ग्रेटर देन 300 होगा, 300 होगा देन इन द ब्रैकेट क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 10 एंड यहाँ पे वेन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 200 देन देन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 5 एंड वेन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 100 देन ये क्या हो जाता है देन देन यहाँ पे क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई 2। और लास्ट में यहाँ हम एल्स भी दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं एल्स, एल्स हमने यहाँ दे दिया 0 और लास्ट में एंड किया। ये देखिए आ गया रिजल्ट, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये आपका टोटल 15 से मल्टीप्लाई हुआ, ये आपका 5 से मल्टीप्लाई हुआ, ये आपका 10 से मल्टीप्लाई हुआ। जल्दी समझ में आया आपको कि नहीं? इस तरह के कंडीशंस आप दे सकते हैं। अब यहां पे चीज और है, चलिए एक और हम काम करते हैं, एक मिनट, एक हम न्यू रूल्स में आते हैं। यहां पे सेलेक्ट सॉरी गलत हो गया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रॉम डेटा, डीव्यू डॉट डीटी, अब इसमें यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे कि यहाँ हमारे सब कैटेगरी है। तो सब कैटेगरी में मान लीजिए कि हमारे पास, या जोन ही लेके चलिए, जोन है हमारे पास, तो यहाँ नॉर्थ का स्पेलिंग मिस्टेक है, दिख रहा है आपको सर? तो मैं चाहता हूँ नॉर्थ का स्पेलिंग मिस्टेक ठीक कर दिया जाए। तो यहाँ जो मैंने जोन लिया हुआ है, इस जोन को मैं यहां नहीं रखना चाहता, तो हम अलग अलग जगहों पे केस लगा सकते हैं। तो यहां पे दिया हमने केस, केस में हमने यहां दिया वेन जोन इक्वल टू इसमें नॉर्थ में क्या नहीं लगा है, इसमें एनओटीएच है सिर्फ, देन
NORTH, नॉर्थ। अब यहां एल्स देना है, एल्स यहां पे जून को शो कर दे, और यहां पे हमने कर दिया एंड एज ए एन जेड के नाम से, तो फिर यहां पे जून को डिलीट कर देता हूं। ठीक है, अब इसको रन कीजिए, रन करते हैं, देखिए एनजेड आ गया, उसमें नॉर्थ पूरा। तो इस तरह से आप अपना करेक्शन कर सकते हैं कंडीशन वाला। तो मेरे हिसाब से आप सभी आदमी को केस समझ में आ गया होगा, केस में कोई दिक्कत नहीं होगी। सर इसमें लॉजिकल फॉर्मूला भी वर्क करेगा? तो समझे नहीं? इफ एल्स, हाँ इफ वो एल्स भी वर्क करेगा करेगा, क्या? इफ एल्स भी वर्क करेगा। फिलहाल आप केस को समझिए ना, केस समझ में आ गया ना? ठीक, चलिए, जैसे आपने पूछा कि इफ एल्स वर्क करेगा, तो यहाँ पे इफ फॉर्मूला नहीं होता, यहाँ पे होता आई आई एफ। क्या होता है? आई आई एफ। ठीक है सर, और आई एफ एफ बिल्कुल जो है एक्सेल के जो इफ फॉर्मूले हैं उसी के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यहां पे मैंने दे दिया कैटेगरी, कैटेगरी के अंदर हमने यहां पे मान लीजिए दे दिया जोन, उसके बाद यहां पे क्वांटिटी। अब जैसे इंसेंटिव के लिए बोला कि इंसेंटिव देंगे, तो सेम यहां क्वांटिटी के हिसाब से इंसेंटिव लगाने, इसके लिए हमने लगाया फॉर्मूला आई आई एफ। अब यहां पे कंडीशन की क्वांटिटी क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 100, तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय क्या होना चाहिए? 50, अदरवाइज 0। और यहां पे एज ठीक है सर, तो यहां एज ए हमने क्या किया, एज ए मान लीजिए कि हमने आई एन सी कर दिया। ठीक है, अब यहां पे देखिए, ठीक है, तो जैसे एक्सेल में इफ का फॉर्मूला होता है ना, उसी तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते। यहां पे कंडीशन दे दीजिए, यहां पे रिजल्ट, यहां पे फॉल्स। अब जैसे मान लीजिए कि इसमें सर कि मुझे नेस्टेड इफ लगाना है, तो यहां भी नेस्टेड इफ लग सकता है। जैसे मैं एक बार और आई आई एफ लगा देंगे और बोलेंगे यहाँ पे मान लीजिए कि क्वांटिटी इज लेस देन 5, मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन 400 किया हमने, ये ग्रेटर देन 400 हो तो हमने यहाँ पे भी कहा कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 50। फिर यहाँ हम लिखते हैं एक और आई आई एफ और ब्रैकेट ओपन कि क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 300, तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 10। फिर इसके अंदर आप दे दीजिए आई आई एफ ब्रैकेट ओपन कि क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 200, तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 10, अदरवाइज 0। अब यहां पे एक ब्रैकेट क्लोज हुआ, दूसरा क्लोज हुआ, तीसरा क्लोज हुआ, हो गया, रन कीजिए, उसी हिसाब से रिजल्ट आएगा आपको। तो ऐसे आप आई आई एस लगा सकते। तो लॉजिकल समझ में आ गया सर, आई आई एफ फॉर्मूले समझ में आ गए, कोई दिक्कत इसमें? ठीक हेलो सर, एक बार थोड़ा फिर से बताओगे? जैसे एक्सेल में इफ फॉर्मूला लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे आई एफ दीजिए अपना कंडीशन, ट्रू रिजल्ट एंड फॉल्स रिजल्ट। अगर फॉल्स रिजल्ट की जगह पे कोई और इफ चाहिए तो कोई और इफ डाल दीजिए। तो हमने क्या किया, इस इफ के अंदर फॉल्स में हमने ये इफ डाला है, इसके फॉल्स में एक और इफ डाला है हमने, इसका फॉल्स 0 है, और ब्रैकेट क्लोज करते चला गया, ब्रैकेट क्लोज करते समय दिखा दिया कि किसका ब्रैकेट कौन सा क्लोज हो रहा है। बिल्कुल एक्सेल के फॉर्मूले की तरह है, बिल्कुल एक्सेल फॉर्मूले की तरह। ठीक है, यस सर। तो दिक्कत इसमें?
नहीं सर क्लियर है। चलिए तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें आ गया और सीखेंगे तो कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैं आपसे ये करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसकी प्रैक्टिस करें।